भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने सेमीफाइनल मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान रोहित शर्मा अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए हैं। एडिलेड में प्रैक्टिस करते समय दाहिने हाथ में चोट लगने की खबर है, जिसके बाद उनके हाथ में बर्फ लगाया गया है। रोहित ने चोट लगने के बाद से दोबारा अभ्यास नहीं किया और तुरंत ही प्रैक्टिस सेशन छोड़कर टीम के फिजियो के साथ चले गए। उनकी चोट या उनकी गंभीरता को लेकर फिलहाल इस मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। दोनों टीमों के बीच नॉकआउट मुकाबला 10 नवंबर यानी गुरुवार को एडिलेड में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप में 10 साल बाद एक दूसरे से भिड़ेगी, जबकि नॉकआउट स्टेज में पहली बार दोनों का आमना सामना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NS Now।